दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कौशल एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों आज मैं जावा में आपको बताने वाला हूं कि एरे का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। प्लस तो बहुत ही आसान है, दो मैट्रिक्स को यदि आपको जोड़ना हो तो बड़ा आसान है, लेकिन दो मैट्रिक्स का आपस में यदि मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा आपको मैथ में होमवर्क करना पड़ेगा। यदि आपको मैथ में होमवर्क आता है कि किस प्रकार से आप दो एरेस को या मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। दोस्तों इसे आप थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने जावा प्रोग्राम में यूटिल पैकेज लिया हुआ है, क्लास का नाम लिया हुआ है एरे मल्टीप्लाई, और मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना तो प्रोग्राम चलना ही नहीं है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन लिया हुआ है। इसके आगे जैसे आप पहुँचेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर तीन एरे बनाई हुई हैं। एक मैट्रिक्स वन के लिए M1 लिया हुआ है जिसके दो सबस्क्रिप्ट हैं 3x3 के। एक M2 लिया हुआ है वो भी 3x3 की है, और एक M3 लिया हुआ है वो भी 3x3 की है। तो ये जब एरे आप यहाँ पर बना लेते हैं तो अब उसमें वैल्यू डालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर स्कैनर का यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कैनर का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर बफर रीडर का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो एलिमेंट एंटर करने हैं रन टाइम पर, उसके लिए एक आपको स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया हुआ है। तो स्कैनर क्लास है जो आपको यूटिल पैकेज में मिलेगी, और उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो है इन, IN। आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं या कोई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जो आपको लगे वो ले सकते हैं। तो वही वेरिएबल लेने के बाद ये काम करेंगे, आप स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए लिखा हुआ है स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर और उसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम के जो इनपुट के फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, IN ऑब्जेक्ट में। इसका यूज़ करके हम आगे इनपुट का कार्य कर सकते हैं, चाहे वो हम स्ट्रिंग इनपुट करें या नंबर इनपुट करें या फ्लोट वैल्यू इनपुट करें या डबल इनपुट करें, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम इनपुट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आपको ध्यान से देखना है, और जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम बताऊँगा तो उसे कॉपी पर लिखने की कोशिश करें, तो उसको लिखें ज़रूर, जो समझने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं, पहली मैट्रिक्स के लिए मैं एलिमेंट दे रहा हूँ, और यहाँ पे फॉर लूप लगाया है क्योंकि मैंने मैट्रिक्स 3x3 की ली हुई है। तो फॉर पहला लगाया है 0 से लेकर के 3 तक, तो 0 1 2 के लिए चलेगा, ये रो के लिए लूप है। जो दूसरा लूप है वो है जे, और वो है 0 से लेकर के लेस देन 3 तक, मतलब 0 1 2 के लिए चलेगा, और ये होगा कॉलम्स के लिए। तो M1 मतलब मैट्रिक्स 1 है, उसका I और J एलिमेंट है, उसमें वैल्यू आनी है, लेकिन किसका यूज़ करके, इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जो इन ऑब्जेक्ट के अंदर है, और इन ऑब्जेक्ट कहाँ से आया हुआ है, जो ऊपर आपने स्कैनर से बना करके रखा हुआ है, स्कैनर क्लास का। तो दोस्तों यहाँ पर केवल इंटीजर वैल्यू ही मांगेगा ये, और कितनी बार वैल्यू मांगेगा, पहले 0 से 0 1 2 3, फिर 1 के लिए 0 1 2, और फिर 1 के लिए 0 1 2। तो टोटल ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 9 बार, मतलब 3x3 की एरे है, तो 9 बार लूप चलेगा, और 9 बार लूप चलने के बाद पूरी मैट्रिक्स जो है M1 वो आपकी भर जाएगी। एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, आगे मैं आपको प्रोग्राम को रन करके बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इस प्रकार से आप एरे के एलिमेंट जो हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये आपकी चॉइस के अनुसार है कि एरे के एलिमेंट क्या देने हैं, क्योंकि ये तो रन टाइम पर आ रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये पहला जो ब्लॉक है ये किसके लिए हो गया, मैट्रिक्स 1 के लिए,
इसी तरह से आपको दूसरी मैट्रिक्स देनी है, तो उसके लिए भी हम बोलेंगे भाई एंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो दो लूप उसके लिए भी चलेंगे। तो यहाँ से आई 012 के लिए और जे भी 012 के लिए ये काम कर रहा है, और यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स में जो एम टू नाम लिया हुआ है इसमें भी वैल्यू आएगी। कहाँ से आएगी? इन डॉट नेक्स्ट इंट से, मतलब रन टाइम पर आप वैल्यू देंगे तो वो दूसरी एरे में भर जाएगी। अब जब दोनों एरे आ जाती हैं तो काम होता है प्रोडक्शन का, कि उसका मल्टीप्लिकेशन का, ये मेन काम है दोस्तों। यदि आपको ये आता होगा तो आप बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन एरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आई चल रहा है 0 से less than 3 तक, जे चल रहा है 0 से less than 3 तक, और एस ये सम है जो 0 दिया हुआ है, के चल रहा है 0 से 3 तक, और मेन काम जो है वो यही है। ध्यान दीजिए, आई की वैल्यू 0 है अभी, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है। इसको कॉपी पे नोट करके आप रख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है एस इक्वल टू एस प्लस एम वन का आई के, आई 0 है, के 0 है, ये ध्यान रखिएगा। और मल्टीप्लाई किया हुआ है दूसरी मैट्रिक्स एम टू के, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एम टू में कौन सी वैल्यू आनी है, तो एम टू के और जे एलिमेंट, तो अभी के भी 0 है, जे भी 0 है, तो पहली मैट्रिक्स का 0,0 एलिमेंट जो होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के 0,0 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और वो वैल्यू किस में जाएगी? सम में। इसी तरह से ये लूप 3 बार चलना है दोस्तों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आपने देखा होगा कि पहली रो से दूसरे कॉलम जो होते हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो ये 3 बार लूप चलेगा, और 3 बार जो प्लस करके आएगा मल्टीप्लाई करके, एक का रो और दूसरे के कॉलम, तो एक एलिमेंट निकल करके आएगा, वो सम में जाएगा। जो एलिमेंट निकल करके आया वो तीसरी एरे के आई जे में, मतलब 0,0 में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब फिर से ये ऊपर पहुंच रहा है और आई की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर के एलिमेंट तीसरी एरे में पहुंच जाएंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो तीसरा काम क्या है? प्रिंटिंग करने का। और प्रिंटिंग कैसे करेंगे आप? इस तरह से यहाँ पर देखिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया है, क्योंकि कई बार एलिमेंट की संख्या बड़ी भी हो जाती है तो वो बराबर आए, मतलब डिजिट्स जो हैं वो आगे पीछे ना आए, बिल्कुल बराबर आए और उनका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बन के आए। तो दोस्तों इसका भी मैंने अलग से प्रोग्राम बना के रखा है, जिसे आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि ये डिजिट्स में कैसे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसे मैंने कॉपी करके ब्लूजे में लाया हूँ, यहाँ रन करके आपको बताता हूँ। तो एरे का जो नाम है वही रखना है जो मेन फंक्शन का क्लास है, वहाँ पर उस नाम से यहाँ पर फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले आप कंपाइल करके देखें कि इसमें किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं है। देखिए नो सिंटैक्स एरर आ रहा है, इसको बंद करें। और जब मेन फंक्शन को आप रन करके देखेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए तुरंत हमसे पूछेगा कि भाई इसमें एरे की वैल्यू डाली है आप। तो आपको वो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इनपुट करने हैं। तो पहली एरे के एलिमेंट्स डाल सकते हैं, दूसरी के डाल सकते हैं, और जैसे आप एंटर करेंगे तो तीसरी एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर आपको प्रिंट होकर के आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप इनपुट करेंगे तो देखिए ऊपर हमने पहली एरे जो डाली हुई है और दूसरी एरे जो डाली हुई है उसका यहाँ पे आउटपुट आ रहा है।
तो ये आउटपुट थोड़ा सही नहीं आया है क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दिया, तो इसको दोबारा देखें आप दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो दोनों एलिमेंट्स ये दोस्तों आप रन करके देखिएगा कि दोनों एरे जब यहाँ पर दी जाती हैं तो उसका जो मैट्रिक्स का आउटपुट है वो किस प्रकार से आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वो बताया हुआ पहली एरे है, दूसरी एरे है, ध्यान दीजिए, इसको आप थोड़ा क्लोज करके देखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो भी एलिमेंट देंगे उनका आप वैल्यूज़ देंगे और जो वैल्यू देंगे उसका वो आप आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।